हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदले, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करेंगे मई माह से लेकर के जुलाई एंड तक के छत्तीसगढ़ सारे करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है चर्चित स्थान। चर्चित स्थलों में सबसे पहला है आपका जैव विविधता पार्क या बायोडाइवर्सिटी पार्क नंदनवन रायपुर। जंगल सफारी के निर्माण के पश्चात नंदनवन के जितने भी जीव जंतु थे सबका ट्रांसफर कर दिया गया जंगल सफारी में। अब नंदनवन में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, मेक्सिको जैसे देशों से 30 अलग अलग प्रकार के विदेशी प्रजातियों के पक्षियों तथा 100 विदेशी प्रजातियों के वृक्षों के माध्यम से एक जैव विविधता वाला माहौल तैयार किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क या बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप किया जा रहा है आपका नंदनवन रायपुर में। सेकेंड है माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह, ये सेकेंड पॉइंट, और ये थर्ड स्टीविया शक्कर निष्कर्षण संयंत्र, ये दोनों आपस में लिंक है, समझिएगा। माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह स्थित है आपका कोंडा गांव में। माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। यह देश का पहला ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कंपनी है, देश का पहला ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कंपनी जो कि जैविक कृषि के माध्यम से ऑर्गेनिक या औषधि वाले पौधों की खेती करता है। तो याद रखिएगा, माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में तथा यह स्थित है आपका कोंडा गांव में। ठीक, थर्ड आपका स्टीविया शक्कर निष्कर्षण संयंत्र। स्टीविया शक्कर निष्कर्षण संयंत्र की स्थापना की जा रही है आपका कोंडा गांव में। स्टीविया क्या है ये समझ लीजिए, स्टीविया एक प्रकार का मीठा तुलसी है जो कि कैलोरी लेस मीन्स कैलोरी रहित होता है तथा इससे बनने वाला शक्कर गन्ने से बनने वाले शक्कर से लगभग 300 गुना मीठा होगा। आप मार्केट में एक प्रोडक्ट सुनते होंगे शुगर फ्री नेचुरला, जो कि केमिकली तरीके से तैयार किया जाता है, लेकिन ये जो स्टीविया शक्कर निष्कर्षण संयंत्र में जो आपका शक्कर बनेगा या जो शुगर फ्री प्रोडक्ट बनेगा वो हर्बल मीन्स औषधि वाले पौधे यानी स्टीविया जो मीठा तुलसी है उससे इस शक्कर का निर्माण किया जाएगा। यह देश का पहला शक्कर निष्कर्षण संयंत्र है जिसमें स्टीविया के माध्यम से आपका शक्कर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम CSIR मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तथा अपने छत्तीसगढ़ के माँ दंतेश्वरी समूह हर्बल समूह दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है जिसमें आने वाले कुछ समय के लिए इस स्टीविया शक्कर निष्कर्षण संयंत्र को जैविक कृषि के माध्यम से इस मीठे तुलसी या स्टीविया के कच्चे माल का सप्लाई करेगा कौन, माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह। इसके अलावा इसका जो सेकेंड प्लांट जो स्टेबलाइज किया जा रहा है वो है आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के साथ एक समझौता किया है जो वहाँ पर जो आपका प्लांट बनेगा ये स्टीविया शक्कर वाला उसको उसके लिए भी जो कच्चे माल की सप्लाई है या जैविक खेती के माध्यम से जो आपके स्टीविया का जो ये खेती करेगा हमारा माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह तो वो सप्लाई करेगा आपके महाराष्ट्र सरकार को भी। तो याद रखिएगा कि देश का पहला स्टीविया शक्कर निष्कर्षण संयंत्र की स्थापना की गई है कोंडा गांव में, दूसरा स्थापित किया जाएगा आपका महाराष्ट्र में। तो दोनों को माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के माध्यम से जैविक कृषि के माध्यम से इस स्टीविया प्रोडक्ट का उत्पादन करेगा तथा इसका कच्चे माल के रूप में उनका सप्लाई करेगा। ठीक, थर्ड है आपका ऑक्सी रीडिंग जोन नालंदा परिसर रायपुर। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या सेंट्रल लाइब्रेरी रायपुर, इसके समीप में लगभग 6 एकड़ ज़मीन पर 15 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया है आपका ऑक्सी रीडिंग जोन। ये ऑक्सी रीडिंग जोन आपको इंडोर और आउटडोर रीडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये 24/7 मतलब सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे आपको रीडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इस ऑक्सी रीडिंग जोन में आपके लिए ऑफलाइन लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी यानी ई लाइब्रेरी, इसके अलावा जगह जगह पे आपके फ्री वाईफाई जोन क्रिएट किए गए हैं। साथ ही साथ आपको आउटडोर रीडिंग के लिए वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी वाला गार्डन का भी निर्माण किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक G+2 एक रीडिंग टावर बनाया गया है जिसे यूथ टावर का नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा कि ये जो ऑक्सी रीडिंग जोन का जो निर्माण किया गया है इसे अब नालंदा परिसर के नाम से जाना जाएगा। तो नालंदा परिसर या ऑक्सी रीडिंग जोन एक प्रकार का आपका लाइब्रेरी है जिसमें आपको 24/7 आपको इंडोर और आउटडोर रीडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है आपका रायपुर में। एक और आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं। इस
ऑक्सीडेटिंग जोन में जो सदस्यता शुल्क है यानी इसमें जो एंट्री फीस है वो सामान्य लोगों के लिए 500 रुपये मंथली है, जबकि आपके बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे जो जो भी सदस्य होंगे उनके लिए 200 रुपये प्रति माह है। तथा एंट्री का समय एक आरएफ आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उस आरएफ आईडी कार्ड को दिखाने के बाद ही आपको इस ऑक्सीडेटिंग जोन या नालंदा परिसर में एंट्री मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट आपका कॉपर भंडारण। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में हाल ही में कॉपर के होने के प्रमाण मिले हैं। वो जिले हैं आपका राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर। राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर में आपके कॉपर के भंडारण के प्रमाण मिले हैं और अभी आने वाले समय में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को इन कॉपर उत्खनन के लिए या कॉपर के खनन के लिए इनसे समझौता किया गया है, यानी इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कॉपर किन स्थानों पर मिले हैं, राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर में। अगला है आपका वन धन विकास केंद्र बीजापुर। देश का पहला वन धन विकास केंद्र की स्थापना की गई है आपके बीजापुर में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केंद्र दोनों के साझेदारी और संयुक्त प्रयास से स्थापित किया गया है आपका वनधन विकास केंद्र। वनधन विकास केंद्र मुख्यतः आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इसकी स्थापना की जाएगी। देश के अन्य भी जो क्षेत्र जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वन्य संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों में इन वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन वन धन विकास केंद्रों में गौण वन उपज, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ सरकार कुछ वन उपजों पर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ आपको बोनस दिए जाने की भी घोषणा करी है, तो वन उपज जैसे इमली, आपका साल बीज, चिरौंजी गुठली, आपका महुआ, तो ऐसे प्रकार के जो भी वन उपज है उन वन उपजों के लिए इन वन धन विकास केंद्र में एक भंडारण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन वन उपजों की सफाई तथा पैकेजिंग ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में इन वन उपजों के माध्यम से उन्हें आजीविका का माध्यम उपलब्ध कराना तथा साथ ही साथ आदिवासी युवाओं को एक रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो याद रखिएगा कि देश का पहला वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया है आपके बीजापुर में। नेक्स्ट, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर एडॉप्ट अ हेरिटेज प्लेस की सूची में शामिल। देखिए, ये एडॉप्ट अ हेरिटेज प्लेस स्कीम है क्या? भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण एवं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा देश के कुछ ऐतिहासिक स्थलों को निजी कंपनियों को गोद लिए जाने की यह एक योजना है। इसके अंतर्गत कोई एक निजी कंपनी किसी भी एक ऐतिहासिक स्थलों को गोद लेगी तथा एक निर्धारित राशि भारत सरकार को अदा करेगी तथा उस ऐतिहासिक स्थलों में लाइटिंग, फर्नीचर, सीटिंग अरेंजमेंट, आपका पेयजल व्यवस्था ये सारी और साफ़ सफाई व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी आपकी निजी कंपनी की। तथा उस ऐतिहासिक स्थल में जो भी आपके पर्यटक आएंगे उनसे विजिटिंग चार्ज के थ्रू वो अपनी कमाई करेगी। तो याद रखिएगा कि देश का पहला, मतलब देश का पहला ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसे गोद लिया गया है वो है आपका लाल किला। लाल किले को निजी कंपनी डालमिया के द्वारा गोद लिया गया है तथा इसके लिए डालमिया ने भारत सरकार को 25 करोड़ रुपए की राशि अदा करी है। तो इसी तरीके की योजना में शामिल हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर एडॉप्ट अ हेरिटेज प्लेस की ग्रीन कोड वाली सूची में शामिल हुआ है। इसमें कुछ कोड निर्धारित किए गए हैं जैसे ग्रीन कोड, ऑरेंज कोड, रेड कोड, ब्लू कोड, ऐसे अलग अलग मतलब ऐतिहासिक स्थलों को अलग अलग कोड वाली सूची में शामिल किया गया है। तो हमारा जो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर है वो ग्रीन कोड वाली सूची में शामिल है। अब जैसे कोई कंपनी, निजी क्षेत्र की कंपनी कोई एक फेमस जैसे लाल किला को गोद लेगी तो उसके साथ उसे कुछ छोटे छोटे ऐतिहासिक स्थलों को भी साथ में गोद लेना होगा। जैसे कि हमारा ये है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, यदि कोई निजी कंपनी इस लक्ष्मण मंदिर सिरपुर को गोद लेती है तो उसे ग्वालियर के किले और पटना के कुम्हरार इन दोनों स्थानों को भी उसे गोद लेना होगा। मीन्स यदि वो लक्ष्मण मंदिर को गोद लेता है तो इस ग्वालियर के किले और पटना के कुम्हरार ये दो स्थान को भी वो निजी क्षेत्र को प्रदान कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा कि एडॉप्ट अ हेरिटेज प्लेस के ग्रीन कोड में शामिल है हमारा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, इसके साथ साथ ग्वालियर के किले और पटना के कुम्हरार ये दोनों को इस ग्रीन कोड वाली सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। अभी फिलहाल कोई भी निजी क्षेत्र के द्वारा ये लक्ष्मण मंदिर को गोद नहीं लिया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसे गोद लिए जाने की संभावना है, तो इसे थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन पुरस्कारों में। पुरस्कारों में सबसे पहला है आपका संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकेडमी जो कि भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण एवं सांस्कृतिक मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतिवर्ष संगीत, नृत्य तथा नाटक में जीवन पर्यंत योगदान देने वाले लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
इस साल संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है आपके राकेश तिवारी और दीपक तिवारी, दोनों तिवारी है, दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों फेमस पर्सनैलिटी है हमारे छत्तीसगढ़ में, राकेश तिवारी और दीपक तिवारी। राकेश तिवारी जी का संबंध है आपका सोन चिरैया नामक लोकमंच से, सोन चिरैया लोकमंच से संबंधित है आपके राकेश तिवारी, तथा उनके द्वारा तैयार किया गया नाटक राजा फोकलवा का अब तक पूरे देश में 125 से ज़्यादा बार इनका शो हो चुका है। तो जो इनका जो प्रसिद्ध नाटक है राजा फोकलवा, ये सामाजिक जागरूकता या सामाजिक जीवन पर एक कटाक्ष करता है। तो याद रखिएगा कि जो राकेश तिवारी है उनका संबंध है सोन चिरैया लोकमंच से, तथा इनका प्रसिद्ध नाटक है राजा फोकलवा। नेक्स्ट है आपके दीपक तिवारी। दीपक तिवारी जी संबंध थे नए थिएटर में, हबीब तनवीर जी के नए थिएटर में लीड एक्टर की भूमिका निभाते थे आपके दीपक तिवारी जी। तो दीपक तिवारी जी का नाम याद रखिएगा कि ये हबीब तनवीर के नए थिएटर से संबंधित थे। इन्होंने हबीब तनवीर जी के नए थिएटर में चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा बाजार जैसे नाटकों में मुख्य किरदार की भूमिका निभाई। आप सभी को पता होगा कि नए थिएटर की जो प्रसिद्ध नाटक थे वो थे चरणदास चोर, माटी की गाड़ी और आगरा बाजार। तो इन सभी प्रसिद्ध नाटकों में मुख्य किरदार की भूमिका निभाई थी इन्होंने, दीपक तिवारी जी ने। तो दीपक तिवारी और राकेश तिवारी, इन दोनों को इस साल संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी साहित्य श्री पुरस्कार। विश्व हिंदी साहित्य श्री पुरस्कार प्रदान किया गया ममता अहार को। विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया कनाडा में, उस विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन में ममता अहार को उनके नाटक मीरा, मीरा नाटक की प्रस्तुति या मीरा एकल नाटक के मंचन के लिए उन्हें विश्व हिंदी साहित्य श्री पुरस्कार से नवाजा गया। विश्व हिंदी साहित्य श्री पुरस्कार जो कि विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन जिसका आयोजन कनाडा में किया गया, वहाँ पर ममता अहार को मीरा नामक नाटक की प्रस्तुति के लिए इस विश्व हिंदी साहित्य श्री पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार। राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार प्रदान किया जाता है कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के माध्यम से कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने तथा कृषि को लाभदायक व्यवसाय के रूप में विकसित करने और अन्य कृषकों को इन नवीन तकनीकों के लिए प्रोत्साहित करने, नवीन तकनीकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार। इस साल यह प्रदान किया गया है घनश्याम सिंह को। ये घनश्याम सिंह छत्तीसगढ़ के बहुत फेमस फार्मर है, इनका नाम याद रखिएगा। इससे पहले भी उन्हें कई नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है इसी कृषि क्षेत्र में। तो इस साल ये जो घनश्याम सिंह को राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषि पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने गौमूत्र के माध्यम से जैविक कीटनाशक का निर्माण किया, गौमूत्र के माध्यम से जैविक कीटनाशक का निर्माण तथा उसका खेती में सफलतम प्रयोग के लिए उन्हें इस साल राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आजीविका मिशन नेशनल अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा छत्तीसगढ़ के लक्ष्मीबाई ग्राम संगठन को, लक्ष्मीबाई ग्राम संगठन को राष्ट्रीय आजीविका नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। लक्ष्मीबाई ग्राम संगठन संबंधित है आपके सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड के अंतर्गत बेलखरीखा ग्राम से। इस लक्ष्मीबाई ग्राम संगठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थित महिलाओं को आजीविका उपलब्ध करा करके उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो इस लक्ष्मीबाई ग्राम संगठन में 38 समूहों में लगभग 300 से ज़्यादा महिलाएं शामिल है। ये मुख्यतः कोकून के माध्यम से रेशम के धागा का उत्पादन करती है, कोकून के माध्यम से रेशम के धागा तथा जैविक खेती के माध्यम से जीरा फूल नामक धान का उत्पादन करती है। इनका सालाना टर्नओवर लगभग 30 लाख है। तो इनका याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आजीविका नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है लक्ष्मीबाई ग्राम संगठन को। नेक्स्ट आपका स्प्लिटिंग शोल्डर्स। स्प्लिटिंग शोल्डर्स छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित एक 15 मिनट का शॉर्ट फिल्म है जिसे 71वें फ्रांस कांस फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग के लिए इसका चयन हुआ है। इसके निर्माता, निर्देशक और लेखक है आपके रुपेश कुमार प्रसाद। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित 15 मिनट का शॉर्ट फिल्म है जो कि जतमई घटा रानी के जंगलों में इसकी शूटिंग हुई है। इस फिल्म, यह फिल्म एक घायल व्यक्ति और छत्तीसगढ़ के चार आदिवासी युवकों पर केंद्रित है जो उस घायल व्यक्ति के प्रति कुछ संवेदनाएं रखते हैं। तो ये उस घायल व्यक्ति और छत्तीसगढ़ के वो चार आदिवासियों के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। तो याद रखिएगा कि इसका नाम अंग्रेजी में है स्प्लिटिंग शोल्डर्स, लेकिन ये जो
शॉर्ट फिल्म बनी है ये छत्तीसगढ़ी भाषा में, पूर्णतः छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित है ये। जतमई घटानी के जंगलों में इसकी शूटिंग हुई है। 71वें कांस फिल्म महोत्सव में इसकी स्क्रीनिंग होनी है। ठीक, नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम कुछ चर्चित व्यक्तित्व का जिनका हाल ही में निधन हुआ। पहले नंबर पर है केयूर भूषण जी। केयूर भूषण जी का जन्म वर्ष 1928 को जाताग्राम दुर्ग में हुआ था, जबकि इनका कार्य क्षेत्र रहा रायपुर में। इनका जन्म हुआ जाताग्राम दुर्ग में। कुछ जगहों पे आपको मिलेगा कि इनका जन्म बेमेतरा में हुआ, लेकिन वर्ष 1928 में बेमेतरा अस्तित्व में नहीं था। जाताग्राम वर्तमान में भले बेमेतरा में है, लेकिन 1928 में जाताग्राम दुर्ग में केयूर भूषण जी का जन्म हुआ, जबकि इनका कार्यक्षेत्र रहा आपका रायपुर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। केयूर भूषण जी छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी तथा गांधीवादी विचारधारा वाले नेता थे। वर्ष 1942 में इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल हुआ। इन्हें 9 माह के कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्हें 4 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का सजा इन्हें भोगना पड़ा। तो याद रखिएगा, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल गए। वर्ष 1980 से 1999 तक रायपुर लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद रहे। वर्ष 1980 से 1999 के दौरान लगभग 2 बार इन्होंने रायपुर क्षेत्र से लोकसभा के सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2001 में इन्हें पंडित रविशंकर शुक्ल सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया। अब इनके कुछ रचनाएं हैं जिन्हें इनकी विधा के साथ याद रखिएगा। विधा मतलब ये उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध है कि कविता है। वो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा केयूर भूषण जी का उपन्यास है, जिसमें आपको एक ऑप्शन ये देगा, बाकी कहानी दे देगा, एक निबंध दे देगा, एक कविता दे देगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा कि कौन सा उपन्यास है, कौन सा कहानी है, कौन सा निबंध है ना कौन सा कविता है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये शुरू के जो चार है ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले नंबर पर है कुल के मजा, सेकेंड कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, थर्ड लोकलाज, चौथा समय के बलिहारी। पहले नंबर पर है कुल के मजार। इस कुल के मजार का विषय वस्तु है राजघराने में रहने वाले लोगों के अंतर्मन में जो दर्द है उस पर केंद्रित है ये। सेकंड नंबर पर है कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, यह मातृभूमि की पीड़ा से संबंधित है। तीसरे नंबर पर है लोकलाज। लोकलाज जो कि सामाजिक नियम कानून पर एक कटाक्ष रखता है। चौथा समय के बलिहारी। समय के बलिहारी, यह एक जातिगत व्यवस्था पर आधारित है। यह जातिगत व्यवस्था के आधार पर प्रेम प्रसंगों की समाप्ति इसका मुख्य विषय वस्तु है। तो इन चारों रचनाओं के नाम याद रखिएगा और इन चारों रचनाओं के विषय वस्तु को भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग जल्द ही इन चार रचनाओं का प्रकाशन करने वाला है। केयूर भूषण जी ने इन उपन्यासों का रचना किया, लेकिन इन उपन्यासों को उन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा या सामान्य बोलचाल की छत्तीसगढ़ी भाषा में इन उपन्यासों की रचना की थी। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग जल्द ही स्पेशली इन चार उपन्यासों का प्रकाशन करने वाला है। कुल के मजार, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, लोकलाज और समय के बलिहारी। तो इन चारों उपन्यासों को स्पेशली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उनकी कुछ कहानी, कालू भगत और आसुमा फिले अचरा। कहानी कौन कौन सा है? पहला है कालू भगत, दूसरा आसुमा फिले अचरा, तीसरे नंबर पे निबंध। निबंध में है आपका हीरा के पीरा, इनका एक निबंध संग्रह है हीरा के पीरा नाम से। अगला है कविता लहर। केयूर भूषण जी के छत्तीसगढ़ी कविताओं का संकलन लहर नाम से संग्रहित है। तो छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह केयूर भूषण जी लहर, तो ये एक इसको और ये एक इसको, स्पेशली ये दोनों को कविता संग्रह जो कि छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह केयूर भूषण जी के लहर नाम से है, और ये चारों उपन्यास, इन सभी को पहले याद कीजिएगा, इन्हें थोड़ा बाद में याद कीजिएगा। नेक्स्ट, गांधी भवन का नाम केयूर भूषण के नाम पे रखा जाएगा। आनंद समाज वाचनालय, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आनंद समाज वाचनालय जिसकी स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी वहां आए थे, तो उनके उस आगमन को यादगार बनाने के लिए आनंद समाज वाचनालय के परिसर में बनाया गया है गांधी भवन। तो इस गांधी भवन का नाम अब केयूर भूषण भवन या केयूर भवन के नाम पर रखा जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह ने घोषणा की कि आनंद समाज वाचनालय के परिसर में स्थित गांधी भवन का नाम अब केयूर भूषण के नाम पर रखा जाएगा।
अब नेक्स्ट है आपके राजेश पटेल। राजेश पटेल जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी तथा छत्तीसगढ़ में प्रदेश के बास्केटबॉल के कोच थे। इन्हें लगभग 7 बार राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार ही प्रदान हुआ है। तो इन्हें इनका नाम याद रखिएगा कि राजेश पटेल जी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी तथा प्रदेश के बास्केटबॉल के कोच थे, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार ही प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपके हेमंत यादव। हेमंत यादव आपके भाजपा सरकार में या रमन सिंह के कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे। ये दुर्ग जिले से संबंधित है। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनके निधन के पश्चात डॉक्टर रमन सिंह ने दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम हेमंत यादव दुर्ग विश्वविद्यालय रखे जाने की घोषणा की है। तो इन कुछ चर्चित व्यक्तित्व का जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कियोर भूषण जी, जिनमें उनके उपन्यासों को उनके विषय वस्तु के साथ याद रखिएगा और उसके एक कविता संग्रह को थोड़ा स्पेशली याद रखिएगा। नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन कुछ चर्चित व्यक्तित्व पर। पहले है राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता जिन्हें माउंटेन मैन का टाइटल दिया गया है। राहुल गुप्ता 7 राष्ट्रीय तथा 3 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत श्रृंखलाओं पर फतह कर चुके हैं। इनका नाम स्पेशली याद रखिएगा, इन्हें माउंटेन मैन का टाइटल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एवरेस्ट चोटी जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, किलीमंजारो पर्वत और एल्ब्रुस पर्वत जो कि यूरोप में है, किलीमंजारो अफ्रीका में है और एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 3 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत श्रृंखला, एवरेस्ट पर्वत, किलीमंजारो अफ्रीका और एल्ब्रुस जो कि यूरोप में है, इन 3 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत श्रृंखला पर इन्होंने फतह की है। इसके अलावा एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला पर फतह करने वाले ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र पर्वतारोही हैं। दूसरा किलीमंजारो पर्वत पर फतह करने वाले 2 छत्तीसगढ़ से संबंधित व्यक्तित्व है। पहले है आपके राहुल गुप्ता जिन्हें माउंटेन मैन का टाइटल मिला है। दूसरा है आपके हेमंत गणेश्वर पटेल। राहुल गुप्ता को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार नेशनल प्राइड अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और इस साल NCC अचीवर्स अवार्ड मीन्स नेशनल कैडेट कोर राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा अचीवर्स अवार्ड 2018 से भी इन्हें इस बार नवाजा गया है। तो इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय पर्वत शिखर जिन पर उन्होंने फतह हासिल करी और इन्हें कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया ये सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं पर रैंकिंग पर। पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। वर्ष 2019 तक छत्तीसगढ़ को लगभग 6,23,000 आवास निर्माण का लक्ष्य सौंपा गया था। वर्ष 2018 में नीति आयोग ने एक नई रिपोर्ट जारी करी जिसमें अभी तक हुए कार्य का जायजा लेने के लिए एक रैंकिंग तैयार किया। तो जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2018 तक अपने दिए गए लक्ष्य मतलब 6,23,000 का जो आवास निर्माण को उन्हें लक्ष्य प्रदान किया गया था उसमें से लगभग 84.75% कार्य उसने पूर्ण कर लिया। इस 84.75% कार्य पूर्ण के साथ छत्तीसगढ़ पूरे के पूरे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा अपने निर्धारित लक्ष्य के समीप पहुँचने में। और पूरे के पूरे राज्यों में स्थित जिले में धमतरी पूरे देश में प्रथम रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास निर्माण के मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा अपने निर्धारित लक्ष्य के समीप पहुंचने में और धमतरी जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। उत्कृष्ट कार्य के निष्पादन के आधार पर यानी अब वो अपने निर्धारित लक्ष्य में हमारा छत्तीसगढ़ पहुँच चुका है यानी 84% उसने आवास का निर्माण कर लिया है। तो इसी उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के आधार पर उसे लगभग 65,000 अतिरिक्त आवास का लक्ष्य और प्रदान किया गया यानी अब उसे वर्ष 2019 तक 6,88,000 आवास का निर्माण करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा जबकि पूरे देश में धमतरी जिला इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा जबकि उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार को 65,000 अतिरिक्त आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया। अब वर्तमान में वर्ष 2019 तक छत्तीसगढ़ सरकार को 6,88,000 एक नया लक्ष्य प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट। वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी किया गया जिसमें
प्रदेश में आपकी जल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, जल संसाधनों का रखरखाव, सिंचाई व्यवस्था आदि मानकों के आधार पर यह वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया। इस वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट पे पहले स्थान पर रहा आपका गुजरात, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ इस वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट में 9वें स्थान पर रहा। तो याद रखिएगा, वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट या वाटर मैनेजमेंट रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा आपका 9वां। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सूचकांक या हेल्थ इंडेक्स। हाल ही में नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी करी, जिसमें सालाना इंक्रीमेंटल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान 5वें स्थान पर रहा। सालाना इंक्रीमेंटल यानी इसमें स्वास्थ्य सूचकांक के लिए एक आधार वर्ष तय किया गया था, वर्ष 2015-16। तो उस 2015-16 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में राज्यों की स्वास्थ्य स्थिति में कितना सुधार हुआ, इसके आधार पर नीति आयोग ने एक स्वास्थ्य सूचकांक या हेल्थ इंडेक्स जारी किया, जिसमें सालाना इंक्रीमेंटल में पहले स्थान पर रहा आपका झारखंड, दूसरे में जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, चौथे में बिहार और 5वें नंबर पर रहा अपना छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में सालाना इंक्रीमेंटल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर रहा। अगला, मातृ मृत्यु दर। मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर 173 प्रति लाख है, 173 प्रति लाख मातृत्व मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में है, जबकि भारत में मातृ मृत्यु दर है आपका 130 प्रति लाख। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में आपको कई जगह देखने के लिए मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर है आपका 221 प्रति लाख, लेकिन ये अभी हाल ही में अपडेट हुआ है, तो इसे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर है आपका 173 प्रति लाख, जबकि भारत में मातृत्व मृत्यु दर है आपका 130 प्रति लाख। दोनों डाटा याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर। पहले नंबर पर है स्पिन योजना या स्त्री योजना। यह योजना प्रारंभ किया गया था वर्ष 2014 को, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त कराए जाने की दिशा में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ के 27 में से 17 जिलों में संचालित है। हाल ही में इसे राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो तो भले आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये 2014 स्त्री योजना या स्पिन योजना छत्तीसगढ़ सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाए जाने की दिशा में प्रारंभ की गई यह योजना है, जो कि वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। अभी वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ के 27 में से 17 जिलों में संचालित है। नेक्स्ट है उड़ान योजना। उड़ान योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है एक योजना है, जिसमें भारत के आम नागरिकों को निम्न दरों में वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना है, तथा साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में स्थित छोटी छोटी हवाई पट्टियों में भी एक निजी कंपनी के माध्यम से उस क्षेत्र में वायु सेवा या वायु परिवहन सेवा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसी उड़ान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ा गया है। तो इस उड़ान योजना में अभी हाल ही में एक निजी कंपनी के द्वारा 19 सीटर एक वायु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से विशाखापट्टनम एक न्यून दर पर यह रायपुर से विशाखापट्टनम की एक डायरेक्ट वायु सेवा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल 2018 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से प्रारंभ किया गया। ये 14 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था, जबकि ये समाप्त हुआ आपका 5 मई 2018 को। इसका टैगलाइन है सबका साथ सबका गांव सबका विकास। भाजपा सरकार बोलिए या फिर आपकी रमन सरकार का टैग, जैसे रमन सरकार 14 साल बेमिसाल में सबका साथ सबका विकास एक टैगलाइन लेके चलती है, तो उसी में आप जोड़ दीजिएगा ये सबका गाँव, सबका साथ सबका गाँव सबका विकास। इस ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत देश के कुल 21,058 ग्रामों को सम्मिलित किया गया। ये आंकड़े याद रखिएगा, ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में से 21,058 गांवों को सम्मिलित किया गया। इन 21,058 गांवों में स्पेशली एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल ग्रामों को स्पेशली शामिल किया गया, तथा इस ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, ये जितनी भी योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं को इस 14 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक अलग अलग दिन में अलग अलग दिवस, जैसे 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय दिवस, 20 अप्रैल को आपका उज्ज्वला दिवस, ऐसे अलग अलग दिन पे अलग अलग दिवस का आयोजन किया गया, तथा इन गांवों में यह सुनिश्चित किया गया कि जैसे आपका 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन किया गया, 20 अप्रैल को आपका उज्ज्वला योजना का आयोजन किया गया, तो ये जो
21,058 गांव है, तो इन गांवों में जिस दिन जिस दिवस का आयोजन किया गया तो उस गांव में 100% उस योजना का कवर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब उस दिन जिस दिन इस योजना का दिवस मनाया गया 14 अप्रैल से लेकर के 5 मई के बीच में, उस दिन में उस गांव के सभी व्यक्तियों को 100% उस योजना का कवर प्रदान करना इस ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका NMDC IREL। NMDC और IREL मींस इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो ये दोनों कंपनियां आपस में मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी का निर्माण करने वाली है, तथा इनके द्वारा बनाई गई वह जॉइंट वेंचर कंपनी भारत के साथ साथ विदेशों में दुर्लभ तत्वों की खोज तथा खनन का कार्य करेगी। तो इसमें ये IREL का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, NMDC और IREL दोनों के मध्य समझौता हुआ, तो दोनों के दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी का निर्माण करने वाले हैं जो भारत के साथ साथ विदेशों में दुर्लभ तत्वों की खोज तथा खनन का कार्य करेगी। नेक्स्ट है ई मार्केट प्लेस या जैम। ई मार्केट प्लेस या जैम में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये जैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये अधिकतर शॉर्ट फॉर्म में व्यापम का प्रश्न बनता है। जैसे पिछले बार एक प्रश्न उठाया था ई नाम संबंधित है कृषि क्षेत्र से, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वैसे ही ये जैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इस जैम का फुल फॉर्म है। ये केंद्रीय स्तर की एक योजना है जिसमें सरकारी विभाग में कोई भी खरीदारी होती है तो उसमें पारदर्शिता बनाए रखने तथा निम्न दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले वस्तुओं की खरीदी के लिए यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। जैसे समझ लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार साइकिल वितरण योजना कर रही है या उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको गैस सिलेंडर प्रोवाइड कर रही है, तो यदि उसे साइकिल खरीदना है या सिलाई मशीन खरीदना है तो वो आपकी ई मार्केट प्लेस या ये जैम पोर्टल में जाएगी और जैम पोर्टल में जा करके अपना एक लिमिटेड अमाउंट, किस अमाउंट पे वो खरीदना चाहती है और कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहती है, दोनों को इस ई जैम पोर्टल पे अपलोड कर देगी। उसके बाद ये पोर्टल एक न्यूनतम पर अच्छी क्वालिटी वाला जो वस्तु है उसका लिस्ट शो करेगा और उसके आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार इन वस्तुओं की खरीदी करेगी। तो इस ई जैम पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्वाधिक खरीदी की, तो इस ई जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें आप कुछ भी याद मत रखिए, बस इस जैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम का फुल फॉर्म है, जो कि शासकीय खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन नदी एवं कुछ वन्य जीव से। पहले नंबर पर रेडियो कॉलर जो लगाया जा रहा है हाथियों पर, इसके लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग ने चलाया है ऑपरेशन बहरादेव। आप सभी को सुनने मिलता होगा कि मानव हाथी संघर्ष छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हाथियों का मानव बसाहटों में प्रवेश बढ़ रहा है। तो इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत बलरामपुर वन मंडल में हाथियों पर हाई फ्रिक्वेंसी वाला रेडियो कॉलर लगाया है। यह रेडियो कॉलर आपका दक्षिण अफ्रीका से मंगवाया गया है। इस रेडियो कॉलर के माध्यम से इन हाथियों के गतिविधियों पर लगातार नजरें रखी जा रही है। वन विभाग ने इस रेडियो कॉलर लगाने के लिए ऑपरेशन बहरादेव चलाया था। ऑपरेशन बहरादेव क्या है? बहरादेव उत्पाती हाथियों का एक समूह है। यह उत्पाती हाथियों की एक जाति है जो बहुत आक्रोशित होती है और यही जातियाँ या यही समूह सर्वाधिक मानव बसाहटों में प्रवेश कर रही है। तो ये जो बहरादेव है ये हाथियों का एक समूह है, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑपरेशन बहरादेव चलाया था। तो याद रखिएगा ऑपरेशन बहरादेव सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत बलरामपुर वन मंडल से संबंधित है, जो कि हाथियों में रेडियो कॉलर लगाए जाने के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट काला हिरण संरक्षण। छत्तीसगढ़ के मैत्रीबाग भिलाई में विलुप्त प्राय जीव काला हिरण का संरक्षण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मैत्रीबाग भिलाई में विलुप्त प्राय जीव काला हिरण का संरक्षण किया जा रहा है। बस याद रखिएगा काला हिरण का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? मैत्रीबाग भिलाई में। नेक्स्ट ये दो नदी परियोजना है, इसका नाम याद रखिएगा कोलाब परियोजना सबरी नदी पर बनाया जा रहा है कोरापुट उड़ीसा जिले में।
इस कोलाब परियोजना के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में होने वाली जल की आपूर्ति प्रभावित होने वाली है। तो ये जो कोलाब, ये सबरी का ही एक अन्य नाम या प्राचीन नाम है। तो याद रखिएगा, कोलाब सबरी का एक अन्य नाम या प्राचीन नाम है। ये कोलाब परियोजना कोरापुट उड़ीसा में प्रस्तावित है। नेक्स्ट, पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना छत्तीसगढ़ सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के मध्य एक विवादित परियोजना है। ये बनाया जा रहा है आपका गोदावरी नदी पर, यह है आपका आंध्र प्रदेश में। इसका एक अन्य नाम है इंदिरा सागर परियोजना। तो याद रखिएगा, पोलावरम परियोजना का अन्य नाम है इंदिरा सागर परियोजना। आपको इंदिरा सागर परियोजना के नाम से भी इससे डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। तो पोलावरम परियोजना या इंदिरा सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर प्रस्तावित है। इससे प्रभावित होने वाला है आपका सुकमा का कोंटा तहसील। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कुछ नियुक्तियों पर। छत्तीसगढ़ की प्रथम आदिवासी महिला जज नियुक्त हुई है विमला सिंह। हाल ही में छत्तीसगढ़ में चार जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ में पहली बार दो महिला जजों की नियुक्ति हुई। एक है आपकी विमला सिंह और दूसरी है आपकी रजनी दुबे। प्रदेश में पहली बार दो महिला जजों की नियुक्ति हुई, रजनी दुबे और विमला सिंह, जबकि छत्तीसगढ़ की प्रथम आदिवासी महिला जज है आपकी विमला सिंह। इस तरीके से इन चार जजों की नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जजों की कुल संख्या हो गई है आपकी 16। संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर छत्तीसगढ़ में अधिकतम जजों की संख्या हो सकती है 18 मुख्य न्यायाधीश के साथ। मुख्य न्यायाधीश सहित संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर छत्तीसगढ़ में जजों की अधिकतम संख्या हो सकती है 18, जबकि वर्तमान में है 16। हाल ही में चार नए जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें पहली बार दो महिला जजों की नियुक्ति हुई छत्तीसगढ़ में। एक है रजनी दुबे, दूसरी है विमला सिंह, जबकि पहली बार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट में प्रथम महिला आदिवासी जज की नियुक्ति हुई विमला सिंह। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए फिरोज अंसारी। इनका बस नाम ही याद रखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए आपके फिरोज अंसारी। स्पेशली आप ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से जो मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए, जितने भी पॉइंट बताए, वो सभी को आप स्पेशली याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का मई माह से लेकर के जुलाई माह तक के एंड तक का करंट अफेयर का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अभी वीडियो के एंड में आपको ये बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट का फोटो मैं इसी वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूंगा, जहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का। साथ ही साथ वो फोटो मैं आपका टेलीग्राम पेज और हमारे फेसबुक पेज दोनों में इसे अपलोड कर दूंगा, वहां से भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाकर के आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही हो या कोई आपको डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपका डाउट वाजिब रहा तो नेक्स्ट वीडियो पे हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।